सो हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार ठंड लग जाएगी ना मादे, साक्षात इनको लेने आएंगे धरती पे। दो चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया को दिखाता है, एक जो खुद होता है। सो हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और भाई आपका भाई बढ़िया, सुबह की डाइट चल रही है भाई, कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हो का? चिया सीड्स, बादाम और किशमिश वाली, ठीक है भाई। तगड़े होने पे ध्यान दो भाई, तगड़े होने पे, समझ रहे हो। बाकी जिम चलते हुए बात करते हैं आपसे। सब तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और कमेंट कर दो, समझ गए दोस्तों। देख रहे हो, सर्दियों में भी दो तरह के लोग होते हैं, एक मेरे जैसे जो कि हुडी वुडी पहनते, और एक देखो सैंडो में। एक बार ठंड लग जाएगी ना मादे, साक्षात इनको लेने आएंगे धरती पे। मादे ऐसे जगह पे रहते हैं दोस्तों जहाँ पे ठंड होती है, समझ रहे हो। अरे आप नहीं रहते ना भाई, उनके कहा गया है ना कि भगवान से ज्यादा उनके भक्तों से डरो, ठीक है? ठीक है, क्योंकि भक्त का अपमान भगवान से नहीं सकते। अपमान नहीं कर रहे हम, तो हम अपमान नहीं कर रहे हैं आपका। हाँ। हम आपको बोल रहे हैं आप स्वस्थ रहोगे। हम अगर पहले ठंड लग गई तो दिक्कत हो जाएगी ना। ठंड हमें लग गई, ठंड तो पकड़ोगे फिर कहाँ। मौत को छू के आ गया मैं पिछले साल डेंगू की वजह से। दोस्तों मैं पिछले साल जिम गया आया था, बहुत ही शौक के साथ। भाई एक साल हो गया, देखो पेट अंदर हो गया भाई का थोड़ा सा। क्या हुआ कि मुझे पहली बार टाइफाइड हो गया, फिर मैंने दोबारा हिम्मत दिखाई तो सर डेंगू हो गया यार। तब से आज तक हिम्मत ही दिखा रहा हूँ, तब से आज तक हिम्मत दिखा रहे भाई। लौंडे रनिंग करके आ रहे। गुड मॉर्निंग, बड़ा एक ही लेक्चर में हवा लग गई। डेडिकेशन है सर, देख रहे हो भाई। एक ही लेक्चर सुनना चाहूंगा तो भाई चलो मिलते हैं आगे। अभी हमारा लेग का वर्कआउट हो गया डन, जिसमें कि हमने स्क्वाट्स करे हैं, फिर उसके बाद सुमो स्क्वाट, लंजेस, फिर लेग एक्सटेंशन, हैमस्ट्रिंग कर्ल, और उसके बाद करें लेग प्रेस, और अभी कर रहे हैं रेस्ट। अब करेंगे थोड़ा सा अपर बॉडी, जो हमने कल किया और परसों किया उसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, क्योंकि अपर बॉडी नहीं छोड़ सकता हूँ मैं एक भी दिन। मतलब बस एक एक सेट लगेगा हल्का, मतलब ज़्यादा भी नहीं, एक एक उसका एक्सरसाइज का एक एक सेट मारूँगा अच्छे का नॉर्मल वेट के साथ, ठीक है भाई। तो ये चल रहा है अभी, बाकी मिलते हैं आपको आगे, एक बार कर लेते हैं फिर बात करते हैं। दोनों भाइयों का वर्कआउट हो गया ख़त्म, मज़ा आ गया। लेग डे भी कर लिया, अपर बॉडी भी कर लिया, भयंकर मिक्स सही हो गए। तो इम्पोर्टेंट बात, हमने एब्स भी किए हैं, जो कि मैं तो रोज़ करता हूँ, ये भी रोज़ करते हैं भाई। मैं भी रोज़ कर रहा हूँ। इनके सिक्स एब्स पैक निकल के आने वाले हैं 30 साल की उम्र में, 26 साल वाली नहीं 24 साल वाली ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आप लड़कियों के लैंग्वेज में मेकओवर बोल सकते हो। ओफ, देख रहे हो भाई, देख सारा बीबी क्रीम, सीसी क्रीम या फिर जो भी क्रीम होता है हाँ। लगा के करती है। ठीक है भाई, अपने को कोई चक्कर नहीं है भाई, अपने को मेहनत मारनी है, अपना माइंड सेट अपना फोकस एक ही है भाई, ठीक है। मेहनत मारनी है खत्म, बाकी कोई क्या कर रहा है आई डोंट केयर, आई डोंट नो आल्सो, ठीक है भाई। केयर तो करना पड़ेगा। प्रोटीन पी के करेंगे ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में पास्ता और साथ में पनीर और साथ में थोड़ी सी चाय लेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको आगे। सैया स्विमिंग पूल में नाइया, बस यही चल रहा है भाई इंस्टाग्राम पे आजकल। तो भाई अभी बना रहे हैं अपन लोग ग्रीन टी पियेंगे, ग्रीन छी, यू नो ग्रीन छी। हेल्दी चाय पीते हैं हम कभी कभी, ठीक है भाई। और बताएंगे अभी, लंच तो किया नहीं है आज क्योंकि उठे ही नहीं। बताओ, बोलो भाई, शेर बीमार है, शेर बहुत ज्यादा बीमार है, शेर का हिल चुका है, हेलो दोस्तों, सलाम, जय श्री राम, सत श्री अकाल, ओ गुड। क्या हाल चाल आपके? बढ़िया भाई, ये चीज़ों को इग्नोर करना, मैं बोल देता हूँ यार, क्योंकि मैं ऐसे कल्चर में रहता हूँ, हॉस्टल में जहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, तो
सबको सबकी तरह मिलना पड़ता है, ठीक है, और पैसे सब मुझे मिलते हैं मेरी तरह, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं ऐसे मजाक में नहीं ले रहा हूँ, मैं सभी की रिस्पेक्ट करता हूँ और अपने की कुछ ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। तो भाई बाकी अभी जा रहे हैं ट्रेनिंग करने और देखेंगे आज सेशन में क्या होगा। यार आज लेग डे कर लिया तो पैर भरे हुए हैं बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा पेन इन द सेंस कि पेन सही में पेन कर रहा है। और बाकी पता नहीं पिंपल्स क्यों निकल गए यार यहाँ फेस पे, ऐसा बोलते हैं कि डाइजेशन सही नहीं होता तो इस जगह पिंपल्स निकलते हैं। बाकी कोई भी अपडेट होगा तो वो श्योर आपको दिया जाएगा, अभी ट्रेनिंग के बाद जो भी चीज़ें होंगी सब बताई जाएंगी। बाकी अभी पहुँच जाते हैं फिर देखते हैं। और हाँ भाई एक चीज़, हाँ एक बात याद रखना, है शेर अभी आएगा, नहीं नहीं एक चीज़ मैं बोल रहा था कि भाई अपने ऊपर फोकस करो, दूसरे के बारे में मत सोचो, मैंने पहले बताया अभी भी, और खुद से सच्चे रहो, समझ रहे हो, लोग जो देखते हैं उसको देखने दो, तुम खुद से सच्चे रहना बस, ठीक है। बाकी बाद में बताऊंगा, अभी चला जाता हूँ, आवाज़ हो रहा बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों बाहर आके बैठ गई अकेडमी है ना, समझ लो यार, इस बार मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ा के देख लेता हूँ, दाढ़ी बढ़ा के देख लेता हूँ कैसा लगता हूँ, समझ रहे हो। मैं बोल रहा था कि यार अपने ऊपर फोकस करो, अपने बारे में सोचो, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं वो मैटर नहीं करता है। और आप ना पता है इंसान के ना दो रूप होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के ना दो चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया को दिखाता है, एक जो खुद होता है, समझ रहे हो। जैसे कि मैं ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं तुम लोगों को जो चीज़ दिखा रहा हूँ वो अलग है, और नहीं वो सच्ची है पर वो अलग है कुछ चीज़ें, और जो मैं सोचता हूँ वो अलग है, ठीक है। तो लाइफ में ना हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया को दिखाता है, एक जो खुद होता है। जो खुद वाला होता है ना, अगर वो सच्चा है ना, तो तुम्हें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है भाई। और बस यही बोलना चाह रहा था मैं कि अपने आप को अपने बारे में सोचो, अपने बारे में पॉजिटिव रहो, दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हो मैटर नहीं करता है, समझ गए, और आगे बढ़ते रहो। तो मिलते हैं हम ट्रेनिंग के बाद। हेलो बाजी की हाल है, ठीक है भाई।
तो दोस्तों आज का जो हमारा ट्रेनिंग था वो था मोबिलिटी और थोड़ा सा बैलेंस के ऊपर। आपने देखा होगा ज़्यादातर मोस्टली मोबिलिटी हुई है हमारी और कुछ फिर फ्री पैडिंग भी हुई है थोड़ी बहुत। मैं शूट नहीं कर पाया बट कोई बात नहीं, बाकी अभी जाते हैं फ्रेश होते हैं फिर आप लोगों से बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फ्रेश हो लिए हैं और भाई अभी पियेंगे प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि मैं जिम भी कर रहा हूँ और आपको पता ही है कि सप्लीमेंट की कितनी ज़रूरत पड़ती है जिम जब करते हैं, और वैसे भी एक एथलीट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सप्लीमेंट की, ठीक है। और भाई मैं तो, मेरे को कोई स्पॉन्सर नहीं है बट मैं ऐसे ही किसी भी ब्रांड का ले लेता हूँ जाके, और अच्छे रिजल्ट आते हैं यार, किसी का भी ले लो। बाकी प्रोटीन लिया करो यार, ज़रूरी है बहुत ही, आपकी इंजरी आपकी मसल को रिकवर करता है, इंजरी को जल्दी रिकवर करता है, इन सारी चीज़ों को ना। बाकी भाई मैं लेता हूँ कुल्फी फ्लेवर, आइसो प्योर कुल्फी फ्लेवर लेता हूँ, ठीक है। यार ये पिंपल ना बड़ा दिक्कत दे रहा है, भयंकर दर्द कर रहा है। बाकी मैं अपने बाल थोड़े से जब और बड़े हो जाएंगे तो थोड़े कर्ली कराऊंगा, ठीक है, घुंघरीले से नहीं होते जो वो करा के देखूंगा मैं ऐसे लगते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको आगे। अरे सुनो 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 भाई एक बात यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है। और प्लीज़ यार व्यूज़ गिर गए ऐसे थोड़ा ना होता है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो यार, कैसे कैसे काम चलेगा भाई, है तुम्हें ही बोल रहा हूँ मैं, कैसे काम चलेगा ऐसे बताओ, तुम देख ले रहे हो तो लाइक भी कर दो यार, क्या दिक्कत है भाई, समझ रहे हो क्या दिक्कत क्या है इसमें। तो इस ब्लॉग को करेंगे यही ख़त्म, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।